ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। सजा चौराहे में नहीं देंगे बीजेपी सरकार को, जैसे मोदी साहब ने कहा था 50 दिन के बाद आप मुझे सजा दीजिएगा। नोटबंदी एक बीजेपी का बहुत बड़ा कपड़ा सी, देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पहुंचेगा। लोग सजा देंगे मोदी साहब की सरकार को, और लोग ने जेड़े 2019 दे विच बीजेपी दी वोट बंदी करनगे। आरबीआई को बीजेपी से बचाओ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੈਕਟਰ 17 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾਖੜ ਦਾ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੇਂਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ 50 ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੌਰਾਹੇ ਮੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, लोकतांत्रिक तरीके से लोगों को जागृत करने के लिए, लोगों को याद करवाने के लिए, और लोग जो हैं सजा चौराहे में नहीं देंगे बीजेपी सरकार को, जैसे मोदी साहब ने कहा था 50 दिन के बाद आप मुझे सजा दीजिएगा। तानाशाह लोगों को सजा दी जाती है, लोकतंत्र के अंदर लोग सजा देंगे मोदी साहब की सरकार को, और 2019 में इलेक्शनों के दौरान वोटिंग बूथ पर जाके सजा देंगे। एक एक बटन दबाया जाएगा, वो एक एक सजा के तौर पे मोदी साहब को भुगतना पड़ेगा। देखिए हिंदुस्तान के अंदर रुपए की जो कीमत जिस तरह गिरती जा रही है, जो डॉलर 62 रुपए का था आज से एक साल पहले, आज 73 रुपए का है। जो कच्चा तेल डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय $104 में खरीद कर लोगों को डीजल ₹50 में दिया जाता था, आज $64 में कच्चा तेल खरीद के ₹73 में जो डीजल दिया जा रहा है, उसके लिए मोदी साहब की गलत आर्थिक नीतियाँ जिम्मेवार हैं। मोदी साहब ने साहूकारों का काला धन सफ़ेद करने के लिए नोटबंदी नहीं की, एक फेयर एंड लवली स्कीम लेके आए, उनका काला धन सफ़ेद करने के लिए अडानियों का अंबानियों का ये जो नोटबंदी की गई, 15,44,000 करोड़ रुपए की करेंसी रद्द की गई, और आज तक 2 साल होने के बाद सरकार ये पूरी तरह नहीं बता रही कि कितना पैसा RBI के पास वापस आया। आज 2 बातों के ऊपर पाबंदी है, कोई रफाल जहाज की लड़ाकू जहाज की कीमत नहीं पूछ सकता, कोई RBI से ये नहीं पूछ सकता कि कितने खर्च किए हुए नोट वापस आए, क्योंकि सरकार की नलायकी इससे साबित होती है। आज जेटली साहब चाहे कुछ भी कहें, परंतु अगर काला धन पकड़ा गया होता, जो इनका उद्देश्य था 3 लाख से 4 लाख करोड़ रुपए का काला धन जिसकी बात करते थे मोदी साहब, अगर वो जब्त हो जाता साहूकारों का, तो आज मोदी साहब की निगाह RBI के खजाने पर ना होती। आज RBI के 3 लाख करोड़ रुपए लूटने की साजिश की जा रही है, सेक्शन 7 लगा के पहले नोटबंदी हुई, अब RBI की जबान बंदी की जा रही है, उसका खजाना लूटने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेके आज यहाँ लोगों को जागृत करने आए हैं, उनको याद करवाने के लिए आए हैं। उधर इस मुद्दे पे विरोधी धिर के नेता हरपाल चीमा ने भी मोदी पे हमला बोलदिया कहा कि नोटबंदी बीजेपी का बहुत बड़ा घपला सी, जिस नाल लोगों को आर्थिक तौर पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो हुण लोग 2019 दी चोणां च बीजेपी की वोटबंदी करनगे। नोटबंदी एक बीजेपी का बहुत बड़ा कपड़ा सी, देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान पहुँचेगा, और लोग ने जेड़े 2019 दे विच बीजेपी की वोटबंदी करनगे। देखो जेड़े आम लोग सी ओह लाइनां च लगे हुए सीगे, जेड़े बड़े अरबपति ते करोड़पति कोई लाइन च नहीं लग्या हैगा, और जेड़ा काला धन सीगा ये कहिंदे ने भी लोगों का, ये लोगों का काला धन नहीं, ये बीजेपी के जेड़े बड़े बड़े जेड़े उहदे आगू ने उन्होंने आपका काला धन वाइट करने की कोशिश की है, चाहे वह गुजरात होवे चाहे देश के कोई होर हिस्से होण, हर जगह से बीजेपी के लीडर ने अपने पैसे नूं वाइट किया गया, और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा धोखा होया, और हिंदुस्तान की इकोनमी नूं बहुत बड़ी सट जिहड़ी हैगी बीजेपी ने नोटबंदी करके मारी है। बेशक मोदी सरकार वालों नोटबंदी करके काला धन वापस लिया दा दावा किया गया सी, पर 2 साल का समा बीत जाने के बाद भी काला धन वापस नहीं आया, जिसते कांग्रेस सरकार ने पूरे देश भर च मोदी खिलाफ रोस प्रदर्शन किया जा रहा, मोदी तो इसका जवाब मंगया जा रहा। हुण मोदी सरकार वालों इस मुद्दे से की सफाई दी जाती है, इस पर सब दजर टिकिया हुई ने। चंडीगढ़ तो ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल पंजाब।